वहाँ पे था और अरे आदमी, हर आदमी वहाँ पे भगदड़ मच गई थी, पर आर्मी वालों ने बहुत सपोर्ट किया है और गुफा के पास से ही पानी इतना सैलाब बहा है कि काफी पंडाल बह गए हैं। कितना मुश्किल है यहाँ पे पहुँच गए आप? हम लोग तो रास्ते में बर्फ भी गिर पत्थर भी गिरने लग गए थे, फिर मलेटी वाले ने रोक भी दिया था हम लोग, तब पानी बंद हुआ तो हम लोग निकाला है वहाँ से। माहौल बहुत दर्दनाक था, एक लोग हमारे साथ में थे, उनके सभी कुछ आदमी मिल ही नहीं रहे थे, उनके बैग एक सब बह गए थे, वो बेचारे नंगे पैर भागे हुए। कितने जने आप थे? हम लोग 11 लोग थे सर। 11 ही बेस कैंप पे बराबर आ गए वापस की कुछ वहीं पे? नहीं, 11 लोग हम लोग आ गए, निकला बाद 5 मिनट 6 मिनट का ही अंतर है केवल, माती से ज्यादा नहीं। खौफ दहशत का माहौल, अरे वहाँ का माहौल बहुत खराब माहौल है। कुछ हमने सुना कि लंगर भी जो थे वो भी जी, लंगर भी लंगर बह गए, कुछ यात्रियों को कुछ पता ही नहीं कहाँ है, कुछ यात्री बॉडियां मिली हैं। वहाँ का दर्दनाक हादसा था, बहुत गलत हुआ। तो लोग कितने थे वहाँ पे, यात्राएं कितने थे वहाँ? यात्रा पर्याप्त बहुत थे, आदमी था कम से कम हमारे ख्याल से 15-20 हजार आदमी से कम नहीं होगा उधर थे उस टाइम। हाँ आराम से, क्योंकि हम लोग आ रहे थे तो पहलगांव वाली रास्ते से भी काफी भीड़ चल रही थी और ये बालटाल से भी रास्ता ये वाली बहुत काफी भीड़ थी, थोड़ी बहुत ही भीड़ थी। अरस्थाना अरविंद, यूपी हरदोई से हूँ। बिजली कड़कड़ाई और बारिश का सैलाब समझने का मौका ही नहीं लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पलट के देखा तो बस बारिश पानी ही पानी नजर आ रहा था और पानी में बैग था, लोगों की रावटी बह रही थी, टेंट बह रहे थे, लोग भी बह रहे थे, 2-4-6-8 कैजुअल्टी तो 10 मिनट के बाद ही पता चल गई थी हम लोगों को। दैट साल हम लोग 9 लोग यात्रा पे थे और सभी लोग हम लोग सुरक्षित हैं भोले की कृपा से। तो वहाँ से यहाँ तक आप कैसे आ गए? हम लोग वहाँ से यहाँ तक सभी लोग प्रॉब्लम तो होती ही है लेकिन फेस करना भी पड़ता है। बाकी तो यहाँ फुल सपोर्ट हमको एनडीआरएफ की टीम ने और जो यहाँ के सोल्जर्स हैं सभी ने फुल सपोर्ट किया। यहाँ पे अमरनाथ श्राइन बोर्ड की कई सारी गाड़ियां कंटिन्यू राउंड अप कर रही हैं, जो कि जितने भी श्रद्धालु हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट जिसको जहाँ जाना होता है बालटाल या पहलगाम उसको बेस कैंप तक की छोड़ रही है। हम सभी लोगों को छोड़ा यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट, कोई चार्ज नहीं किया।